यूट्यूब पर दूसरों का चुटिया काटने वाले बहुत लोग आ चुके हैं। वो लोग दिन दहाड़े भोले भाले मानवों का चुटिया काटते रहते हैं और उन भोले मानवों को इसकी भनक भी नहीं लगती कि उनका चुटिया कट रहा है। इन्हीं चुटिया काटने वालों में से एक मानव का जिक्र मैं आज करने जा रहा हूँ और वो है हिंदू मुस्लिम एकता की प्राण वायु, इंटरफेथ रिलेशनशिप यानी हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी की जान, सबनम से। ये सातिर मुस्लिम परी और इसके साथ वाला दोगला हिंदू ईश्वर शर्मा, ये दोनों मिलकर हिंदुओं का खूब चुटिया काटते हैं। ये दोनों हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी यानी इंटरफेथ रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाते हैं और भोले भाले हिंदुओं को दिखाते हैं कि इंटरफेथ रिलेशनशिप इस्लाम में वैलिड है। पर क्या ये सत्य है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? एक और बात, ये शबनम शेख कुरान को भी मानती है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ सत्य क्या है, वो भी कुरान की तीन खास आयतों से। कुरान की सूरह 7 की आयत संख्या 40, जिसमें लिखा है कि जो हमारी आयतों को झुठलाया उनके लिए ना तो आकाश के द्वार खोले जाएंगे ना उन्हें जन्नत में प्रवेश मिलेगा। तो फिर अल्लाह जी काफिरों को क्या देना चाह रहे हैं? तो वो देना चाह रहे हैं जहन्नुम। कुरान सूरह 7 की आयत संख्या 41, उनके लिए जहन्नुम ही का बिछोना और उनके ऊपर का ओढ़ना होगा और हम अत्याचारियों को इसी तरह बदला देते हैं। यानी आयते झुठलाने की इतनी बड़ी सजा। और जो लोग इन आयतों पर ईमान लाए यानी मोमिन, वो ही जन्नत वाले हैं और हमेशा वही रहेंगे। अब आप लोग ही बताएं, सातिर मुस्लिम शबनम शेख और दोगला हिंदू ईश्वर शर्मा, इनकी इंटरफेथ रिलेशनशिप कैसे बन सकती है जब ईश्वर शर्मा जहन्नम में और शबनम शेख जन्नत में रहेगी? और इस बात का ठप्पा अल्लाह जी लगा रहे हैं। यानी मुस्लिम शबनम शेख हिंदुओं के साथ साथ अल्लाह जी को भी धोखा दे रही है और दोनों को मामू बना रही है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग।